जब वो वहां पर पहुंचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया एज यूजुअल। बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज, इंडिया इज सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। ये बात आप याद रखिए कि भारत जहाँ भी जाता है ना, उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज हैं वो निकल आती हैं। और ये तो आपको पता ही है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं, और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। तो उसके अपोजिट में यदि भारत अपने ईस्ट में देखे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो कल्चर है, जो भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय ज्ञान दर्शन है, वो उन समाज पे बहुत बड़ा उनका असर है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी हैरान हो चुके हैं, और पाकिस्तानी नागरिकों का यहाँ पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के जिस भी देश में कदम रखते हैं तो वहाँ पर उनकी जय जयकार शुरू हो जाती है। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज, इंडिया इज सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। अब ये जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कह रहे हैं जी हमारी शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं। ठीक है जी, कि आसियान इंडिया रिलेशंस में, कि जब से ये बना है 1992 में, आई थिंक आसियान इंडिया जो है वो एक समिट, कॉमेमोरेटिव समिट भी हुई थी 2012 में, दिल्ली डिक्लेरेशन है इसके ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बड़े लंबे चौड़े इनके रबते हैं। आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2022 में हुई, आसियान इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट ऑन मेरिट। दरअसल बीते कल प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट 2024 का हिस्सा बनने के लिए लाओस गए हुए हैं, और लाओस पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही ज्यादा भव्य और अद्भुत तरीके से स्वागत किया गया है। जब प्रधानमंत्री मोदी लाओस पहुंचे तो लाओस में रहने वाले भारतीय मूल के लोग और लाओस के नागरिकों ने सनातनी भारतीय वेशभूषा को धारण किया हुआ था, और सभी लोग मिलकर एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का लाओस में स्वागत कर रहे थे। इतना ही नहीं, लाओस में रहने वाली कुछ भारतीय मूल की महिलाओं ने असम संस्कृति का नृत्य करके लाओस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान समिट 2024 और ईस्ट एशियन समिट 2024 का हिस्सा बनने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण नेताओं के साथ द्विपक्षीय मीटिंग और खास मुलाकात की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के नए राष्ट्रपति के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की। लाओस में आसियान समिट 2024 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी एक प्रमुख नेता के तौर पर नेतृत्व कर रहे थे, और बाकी देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी की बातों का अनुसरण कर रहे थे। इस मीटिंग के समाप्त हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस में आसियान संस्कृति वाले रामायण नाट्य कार्यक्रम का भी आनंद लिया था। प्रधानमंत्री मोदी के लाओस दौरे की एक वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आगे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बाकी देशों के अन्य नेता प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यह वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी की इस वीडियो में लोग बहुत ही ज्यादा सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां और देश के लिए समर्पण वास्तव में तारीफ के काबिल है। भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया एज यूजुअल। बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया, और फिर वहां पर एक आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो तरीकाकार है, रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है, वो एक नए तरीके से वहाँ पर पेश की गई उनके सामने। क्योंकि देखें, ये बात आप याद रखिए कि भारत जहाँ भी जाता है ना, उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज हैं वो निकल आती हैं। और ये तो आपको पता ही है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं, और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले, तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें, रामायण के ऊपर जो है वो भी पता चला कि कैसे नए तरीके से उनके सामने पेश किया गया। अच्छा, अब इसके अंदर
जो है वो देखिए, वैसे तो ये 2 डे विजिट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दैट विल बी एक ऐसा ये विजिट होगा जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगले जो फ्यूचर है यानी नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैसे रिलेशंस इंडिया बनाएगा जो आसियान कंट्रीज है उनके साथ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो आसियान कंट्रीज हैं उसमें जो यानी वैसे तो इंडिया के सभी कंट्रीज जो हैं उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। यानी जब हम ये बात करते हैं ना कि जी तो वो कौन सा कंट्री है उनके साथ रिलेशन नहीं है, बल्कि मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर देख रही थी, वो मैं आपके सामने भी बताऊंगी कि ये जो इस वक्त वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पहुँचे हैं ना, तो इतनी इंटरेस्टिंग एक इसका एस्पेक्ट है कि इसमें इम्पॉर्टेंट एनिवर्सरीज जो हैं वो भी आ रही हैं इंडिया की दूसरे कंट्रीज़ के साथ। यानी इसमें इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सेवरल कंट्रीज इन द रीजन, 75th विद इंडोनेशिया, 75th एनिवर्सरी विद इंडोनेशिया, 75th विद फिलीपींस, 60th विद सिंगापुर एंड 40th विद ब्रुनाई। ये जितने भी कंट्रीज हैं इन सब कंट्रीज के साथ किसी के साथ जो है वो एनिवर्सरी 75वीं है, किसी के 60 साल हो गए किसी के साथ, मतलब इस तरीके से बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये चल रहा है। तो वो जो हम बात करते हैं कि जी रिलेशंस, तो वो तो आपको पता ही है, वो तो अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको कुछ और जब बताऊं तो ये जो रिलेशंस की बात की जा रही है आसियान नेशंस के साथ, ये एक ब्रॉडर इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडो पैसिफिक में नजर समझना बहुत जरूरी है। इंडिया को देखें, इंडिया के वेस्ट को देखें, इंडिया की ईस्ट को देखें। इंडिया के वेस्ट से हमेशा से गर्म हवा आई है इंडिया को, सारे अटैक्स। इंडिया के वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान, ईरान, वेस्ट एशिया, अरबिक कंट्रीज और ऑल दैट विच इज फिल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट, ना रिडल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी। सो वहां से हमें कैसे बोलूं, गजवाए हिंद या इसको खत्म करना है भारत को, ये घटिया सिविलाइजेशन है, ऐसी आवाजें आती रहती है। मगर आप उसके बरक्स, उसके अपोजिट में यदि भारत अपने ईस्ट में देखे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो कल्चर है, जो भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय ज्ञान दर्शन है, वो उन समाज पे बहुत बड़ा उनका असर है। तो अगर आप आसियान को ही देख लें, आसियान क्या है, एक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 कंट्रीज ने मिलकर के इसको 60s में शुरू किया था, ठीक है ना, 1965 में या समवेयर लाइक दैट, 67 में शुरू किया गया था ना, और 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की थी, दैट मींस 8 अगस्त 1967 इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बैंकॉक, ठीक है ना, और इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये जो शुरू में थे ना जो कंट्रीज इसके मेंबर बने, उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, 5 कंट्री जैसे मैंने आपको कहा, ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे। उसके बाद ब्रुनेई दारुसलम ने 7 जनवरी 1984 को, यानी 7 जनवरी 1984 को ब्रुनेई ने ज्वाइन किया। उसके बाद वियतनाम ने 28 जुलाई 1995 को वियतनाम ने ज्वाइन किया, फिर लाओ पीडीआर ने ज्वाइन किया और म्यांमार ने ज्वाइन किया इनको 23 जुलाई 1990।